Hello students, how are you? Welcome back in my physics class for class 11th. Today I am going to start the new topic of the chapter motion in a plane. Students, अभी तक आपने vector, scalar, their products, scalar product, vector product ये सब देखा, उसके बाद आपने projectile motion देखा, related कुछ numericals किए हैं. Today I am going to start relative motion and uniform circular motion. Students, in motion in one dimension, you got the information that if any object is object A is moving with velocity A and object B is moving with velocity V in a line, motion in a straight line, then V A B, relative velocity of A with respect to B was VA minus VB. एंड ये क्या था, ये डिपेंड कर रही थी डायरेक्शन पे. क्या था, इफ बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो क्या होगा, व्हाट इट विल बी VA, इफ इट इज VA इट इज VB तो माइनस VB क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस VB और क्या हो जाएगा, दिस विल बी द डिफरेंस VA माइनस VB. ठीक है, और ऐसे ही अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है VA ये VBA तो माइनस VB ये हो जाएगा और दोनों माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा. कहने का मतलब मोशन इन वन डायमेंशन में अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो रिलेटिव वेलोसिटी वॉज द डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इन दैट कंडीशन द रिलेटिव वेलोसिटी वॉज द सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. ये आपने मोशन इन वन डायमेंशन में देखा है. अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, मोशन इन टू डायमेंशन, दैट इज मोशन इन अ प्लेन. कहते हैं वी ए रिलेटिव वेलोसिटी है ए ऑब्जेक्ट की, वी बी इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, देन द रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोलते हैं ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, कैसे लिखेंगे इसको, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, राइट. और यही चीज अगर हम करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, अब यहां पर वेक्टर की जरूरत नहीं है, ए और बी ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी बी विद रेस्पेक्ट टू ए यानी वी बी ए एंड दिस विल बी व्हाट, वी बी माइनस वी ए, ए विद रेस्पेक्ट टू बी वी ए बी यानी वी ए माइनस वी बी, बी विद रेस्पेक्ट टू ए वी बी ए दैट इज वी बी माइनस वी ए. इज दैट क्लियर, यही कॉन्सेप्ट है. अब इस पे बेस्ड मैं आपके क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं. देखिए, आप रोड पे चले जा रहे स्ट्रेट, कोई दूसरा भी उसी स्ट्रेट रोड पे चला जा रहा है तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. लेकिन अगर हम कहते हैं कि मैं यूं चला जा रहा हूं और ऊपर से वाटर रेनफॉल कर रही है तो ये प्लेन बन गया ना, एक मोशन यूं है एक मोशन यूं है. या रिवर फ्लो कर रही लेफ्ट टू राइट और बोट चली जा रही है यहां से वहां परपेंडिकुलर, दोनों के वाटर का फ्लो इधर है और बोट का फ्लो इधर है यानी दोनों परपेंडिकुलर, तो ये एक प्लेन में मोशन हुआ ना, ठीक है, दिस विल बी मोशन इन अ प्लेन. तो अब आप देखो कि मान लीजिए, और सब तो ठीक है, इसमें अम्ब्रेला वाला एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए रेन यू फॉल कर रही, कैसे फॉल कर रही है, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, वॉटर फॉल यू हो रहा है, कैसे, वी आर रेन, और एक आदमी कोई भी है ही इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन वी एम,
right? Man is moving with velocity Vm in this direction and rain is falling in this direction. So, what will be the relative velocity of rain with respect to man? Yani Vrm. Kya ho jayega? What this will be? Ye dekhiye. So, this will be Vr minus Vm. Jo upar bataya hai. Vr minus Vm. अब Vr minus Vm क्या हो जाएगा यार? हाँ, Vr तो ये है, Vm ये है, तो minus Vm क्या हो जाएगा? minus Vm will be in this direction. तो अब आपको Vr, this is your Vr and this is minus Vm, और इसका resultant क्या मिलेगा? The resultant of this will be this, यानी Vrm. यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये हो गई. और अगर कहते हैं कि रेन और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा. इसका मतलब ये हुआ, आप क्या करते हो, आप सीधे चले जा रहे हो, वाटर यू वर्टिकल फॉल कर रहे हैं, तो अम्ब्रेला यू नहीं लिखते हैं, सामने की ओर लगाते हैं. वही देखिए, मैन इज गोइंग दिस साइड, वॉटर इज फॉलिंग दिस साइड, तो अम्ब्रेला विल बी दिस साइड. अम्ब्रेला किधर होगा? इस साइड में, और रेन इस पे फॉल करेगी और वो मैन को सेव करती रहेगी. इफ दिस इज मेकिंग एंगल थीटा, तो अब ये क्या हो जाएगा? वी आर माइनस वीएम, वी आर ए माइनस वीएम इसका अपोजिट है. इसको आप क्या लिख सकते हो? वी आर प्लस माइनस वीएम. ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, राइट. अब इसको कैसे कह सकते हो? तो अगर एक हम इसको रेक्टेंगल बना लें, तो अगर नाम दें ओ ए बी सी, तो दिस यू कैन से दैट इज वी आर ओ सी प्लस वी एम क्या है? ओ ए, यानी वी आर एम विल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन विल बी दिस वन. क्लियर? तो ये आ गया मोशन इन अ प्लेन. किस तरीके से आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे? अब किस एंगल से लगाए? क्वेश्चन आता है कि बाय व्हाट एंगल मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन. तो वर्टिकल से थीटा एंगल अगर लगाया है, तो रेन का एंगल कितना होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ठीक है, दिस इज योर सी, बीसी अपॉन ओसी, और बीसी क्या है? वीएम अपॉन ओसी क्या है? वीआर. तो थीटा, टेन थीटा, यानी कितना एंगल बनेगा? tan theta is equal to BC upon OC, perpendicular upon base. This is BC and BC is equal to OA. So BC की जगह हमने OA रख दिया, which is minus VM and this is what? VR. So VM by VR. So this is your, the angle from the vertical of what? Of the umbrella. So that it can protect from the rain. Thank you. तो अभी क्या करिए? आप relative velocity इन अ प्लेन जो मैंने बोला है, बिल्कुल इसी तरीके से स्टेटमेंट के साथ में जो मैंने बोला है, पहले ध्यान से सुनिए फिर इसको कॉपी करिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब ऐसे ही आप कोई भी निकाल सकते हैं. रिवर जा रही है, बोट जा रही है, तो यू कैन फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी जो भी फाइंड करना है दैट यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस वन, राइट. तो प्लीज नोट डाउन,